हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए तीन डाकोस स्टॉक लेके आया हूँ। डाकोस का नॉर्मली मतलब होता है कि अननोन स्टॉक, जिसकी बातें बहुत कम होती है, लेकिन ऐसे स्टॉक जो ज़्यादा भागते हैं और रिटर्न अच्छा देते हैं, वो भी आपको कम टाइम में। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक गाइस अगर आप रखोगे तो आपका पोर्टफोलियो जल्दी ग्रो करेगा, और उसमें रिस्क भी, मैं जो बताने जा रहा हूँ डाको स्टॉक, उसमें रिस्क भी बहुत लिमिटेड है, यानी 10 से 15% के बीच का रिस्क है, लेकिन आपको जब रिवॉर्ड मिलेगा तो वो 1x 2x का भी मिल सकता है, अगर आप उसको अच्छे से ट्रेल करके होल्ड करो, जो मैंने टाइम पीरियड बताया 3 से 12 महीने, तो आप होल्ड करके रखोगे तो आपको अच्छा मतलब रिटर्न मिल सकता है। और गाइज, अपने को मेन क्या करना होता है, अपने पोर्टफोलियो में ऐसे ही स्टॉक रखने हैं जो अच्छा रिटर्न दे, वो भी कम टाइम में, और जो अपने को लॉस देते हैं वो स्टॉक को अपने को कट करना है। आप जितना लॉस को कट करोगे और प्रॉफिट को रन करोगे, उतना आपके पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको रिटर्न देगा। तो इसी तरह अपने डाकोस में भी सेम रहेगा गाइस। तो डाकोस में मैं आपको तीन स्टॉक बताने जा रहा हूँ। उससे पहले जो गाइस नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। मैं हर तरह के ट्रेड देता रहता हूँ, स्विंग ट्रेड भी देता हूँ, डाकोस भी देता हूँ, और इंट्राडे भी स्टॉक देता रहता हूँ। तो आपको अगर जॉब करते हो, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप ऐसे डाको स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो और एक वन काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको टाइम देना नहीं पड़ेगा, और जितना हो सके उतना कम ट्रेड करोगे तो उतना मतलब आपको कम ब्रोकरेज भी लगेगा, और टेंशन फ्री ट्रेड होते हैं ये लोग। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो लेवल मैं देता हूँ हर वीक आपको वॉच करना है, अगर वो लेवल के आसपास आता है तो आपको उसको क्लोजली वॉच करना है। अदरवाइज बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक है, जैसे पंजाब केमिकल है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक मैंने बताया, वो मेरे बाइंग लेवल से 30-30%, वो भी एक महीने के ऊपर चढ़ गए। आप मेरे डाकोस पुराने वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह मैं बोलता हूँ गाइस, तो आप अगर जॉब वॉब करते हो तो मतलब डाकोस अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, अच्छा मुनाफा ले सकते हो। और तो गाइज मैं बता दूं कि पिछले जो सैटरडे को तीन डाकोस मैंने दिए थे, एक ईस्टर इंडस्ट्री था, दूसरा था MCX और तीसरा ग्रीनप्लाई। तो तीनों स्टॉक अभी जो बाइंग लेवल मैंने दिया था उससे 5-6% जितने डाउन आ गए, लेकिन अपना स्टॉप लॉस अभी उसमें ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस दिया था उससे ऊपर ही है। तो मैंने आपको गाइज बोला है, जब भी बाइंग लेवल से नीचे और स्टॉप लॉस लेवल के ऊपर अगर मतलब स्टॉक आता है कोई भी, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हो। अगर आपने मेरा सैटरडे का वीडियो मिस कर दिया हो तो आप अभी भी उसमें एंट्री, लास्ट सैटरडे का वीडियो देख लो, उसमें मैंने स्टॉप लॉस लेवल कौन सा है वो बताया है। तो आप उसमें भी बहुत अच्छे मतलब 5-6% डाउन, उसमें 7-10-15% का स्टॉप लॉस होता है, उसमें से 5% डाउन आ गया, यानी अभी आप वो मतलब लोगे स्टॉक ईस्टर इंडस्ट्री, MCX है और एक ग्रीन प्लाय, अगर अभी एंट्री करोगे तो आपको रिस्क बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने रेकमेंड किया था उससे 5-6% नीचे स्टॉक आ गए, तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो, ताकि आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा और रिवॉर्ड मिलेगा तो बहुत अच्छे से मिलेगा। तो आप अगर मेरा वीडियो नहीं देखा पिछले सैटरडे का, वो जाके देख सकते हो। तो अभी अपने शुरू करते हैं गाइज, आज के डाकोस तीन स्टॉक कौन से हैं। उसमें पहले स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ, और जो गाइज मैं देता हूँ वो डाकोस होते हैं, वो वीकली चार्ट के ऊपर होते हैं, तो आप ध्यान से देखना, ये वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस है, क्योंकि 3 से 12 महीने का हॉरिजॉन टाइम है, तो अपने को इसमें 3 से 12 महीने के लिए वीकली चार्ट सबसे बेस्ट होता है। तो वीकली चार्ट के ऊपर और स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वीकली क्लोज के ऊपर अपने फॉलो करेंगे स्टॉप लॉस को। तो HDFC लाइफ को मतलब बाइंग करने का रीज़न क्या है, तो आपने सुना ही होगा गाइज, कोई भी रेसिस्टेंट होता है वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जाता है और थोड़ा टाइम ऊपर बिताता है, फिर सपोर्ट लेता है, तो वो सपोर्ट बन जाता है, पुराना जो रेसिस्टेंट होता है वो सपोर्ट बन जाता है। तो आप देखोगे तो स्टॉक ने इधर पे रेसिस्टेंट लिया, फिर इधर पे देखो सेम लेवल पे एग्जिट रेसिस्टेंट लेके नीचे स्टॉक आया, नीचे स्टॉक आने के बाद ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, वहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, लेकिन वही रेसिस्टेंट पे सपोर्ट लेके मतलब सॉरी रेसिस्टेंट लेके फिर से देखो, और इस बार फाइनली ये तीसरी और चौथी बार अटेम्प्ट किया और फाइनली ब्रेक किया, फाइनली ब्रेक करने के बाद वो नीचे आया, लेकिन वो जो रेसिस्टेंट था उसको सपोर्ट बना के वो स्टॉक ऊपर गया, फिर से नीचे आया, लेकिन क्लोज देखो जो लेवल था 645 का ये लेवल, उसके ऊपर ही क्लोज दे रहा है बार बार। तो ये इससे अपने को कंफर्मेशन मिल जाती है कि अभी स्टॉक ने सपोर्ट बना लिया है। तो अभी देखो फिर स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे आया लेकिन यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि अब मैं देखो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है, तो वहाँ पे सपोर्ट लिया,
अभी सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक क्या कर रहा है आप देखोगे तो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट किसका दिया है आप देखोगे, मैंने इधर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन का देखो अच्छे से ब्रेकआउट दिया और ऊपर क्लोजिंग दिया है। आप देखोगे तो इधर क्लोजिंग दिया है, तो ये अपने को क्या बताता है चार्ट कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। क्योंकि देखो पहले तो इसका ये सपोर्ट मिलता है तो अपने को ये कंफर्मेशन हो गया कि रेसिस्टम बिकम सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, उससे पहले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है तो ये दूसरा कंफर्मेशन हो गया कि चलो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। और तीसरा कंफर्मेशन क्या हो गया कि आप देखोगे जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ऊपर की साइड वो भी ब्रेक करके अच्छे से क्लोज हुआ, ऐसा नहीं कि टच करके स्टॉक नीचे आ गया। आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने ड्रॉ किया देखो उसके ऊपर क्लोज दिया 709.20 पे क्लोज दिया है, यानी स्टॉक के यहाँ से ऊपर भागने के लिए रेडी है। कितना परसेंट चांस है ऊपर जाने का? 80% है। अपने 100% कोई भी गाइज होता नहीं है कोई स्ट्रेटेजी, तो आप वैसे मत सोचो कि मैंने बताया तो ऊपर ही जाएगा, अपने को उसके प्रिपरेशन रखना पड़ता है। अगर नीचे आए तो अपने को तैयारी रखनी पड़ेगी, अगर इसके नीचे क्लोज दे, अगर सपोज स्टॉक यहाँ से नॉर्मली तो 80% ऊपर ही जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेके एक दो वीक ऊपर भी जा सकता है या तो सीधा ऊपर जा सकता है। दो चांसेस ज़्यादा है ऊपर जाने के, नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, वो 10-20% ही है। अगर इसके नीचे भी आता है तो भी ये अपने का जो रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करेगा, यानी यहाँ से भी इनकेस ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो भी आप सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है स्टॉक। तो इसलिए ये लेवल है अपना मेन सपोर्ट लेवल हो जाएगा 645 का। 645 के नीचे अगर वीकली क्लोज देगा तो अपने इसमें से एग्जिट करेंगे। गाइज वीकली चार्ट है तो वीकली क्लोज याद रखना, वीकली क्लोज है, डेली क्लोज नहीं है। नॉर्मली कल देखा होगा फ्राइडे को कैसा मार्केट ने नीचे आया, लेकिन देखो वीकली क्लोज किसी ने फॉलो किया तो वो स्टॉक ऊपर ही चले गए बहुत सारे, कल के स्टॉक आप देखे होंगे। तो इसलिए वीकली क्लोज बहुत जरूरी है क्योंकि अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, मतलब 3 से 12 महीने के लिए ले रहे हैं तो वीकली क्लोज बहुत जरूरी है। तो ये अपना HDFC लाइफ का हो गया, तो उसका मैंने आपको समझा दिया रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ट्रेंड लाइन ब्रेक अपसाइड आपने देखा, ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट में है तो अपने इसको बाय कर सकते हैं। बाय कब करना है? बाय एट CMB 709.2 और टारगेट मिनिमम, ये गाइस जो टारगेट है वो मिनिमम है, आपको उसके लिए वेट भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया और मतलब 1-2 महीने में टारगेट आ गया, कभी कभी स्टॉक साइडवेज चला जाता है 2-3 महीने के लिए भी जाता है, उसके बाद वो ब्रेक करके ऊपर जाता है। तो आप उसको ऐसे मतलब 3 से 12 महीने की तैयारी लेके चल सकते हो, आपको वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि इतना ईजिली रिटर्न नहीं मिलता कोई भी चार्ट पे, क्योंकि चार्ट स्टॉक होता है वो भागता है फिर सांस लेता है नीचे आके फिर वो फिर ऊपर जाता है। तो ये अपना पहला टारगेट अपना मिनिमम 1400 का आ सकता है। और SL कब लगाना है? एग्जिट इफ वीकली क्लोज बिलो 645, मैंने आपको जो बताया 645 के नीचे क्लोज देना चाहिए वीकली, तब अपने इसमें से एग्जिट कर सकते हो। तो गाइज आप देखोगे तो रिस्क कितना है बाइंग लेवल से? 9% है। अगर वीकली क्लोज इसके नीचे 2-5% भी देता है तो भी मैक्सिमम रिस्क कितना आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 15% जितना रिस्क आएगा, लेकिन आपको 15% के सामने एक मल्टी बैगर स्टॉक मिल रहा है वो भी मिनिमम 100% है। अगर अच्छे से ट्रेल करोगे, जैसे कि ये देखो ये प्रीवियस लो, ये लो बनाए तो आप इसका इसको सपोर्ट ले लो, इसको सपोर्ट भी ले लो, इसको अभी सपोर्ट ले लो, ऐसे ट्रेल करोगे तो आपको मल्टी बैगर होगा और आपको आराम से 2-3 साल में भी उससे 2-4 गुना भी जा सकता है स्टॉक। तो मल्टी बैगर आपको मिल रहा है वो भी 10 से 15% रिस्क के अंदर। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया? 1:11 का हो गया। और अपना टाइम ओरिजन कितना रहेगा? 3 से 12 महीने का रहेगा, ये मेन आप ध्यान में लेके चलो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है, 3 से 12 महीने का टाइम ओरिजन है। तो ये अपना एनालिसिस हो गया HDFC लाइफ के ऊपर। अभी आपको दूसरा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है कॉनकॉर। तो गाइज इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे कल निफ्टी डाउन आई तो बहुत सारे स्टॉक नीचे भी आ सकते हैं, तो आप प्लीज स्टॉप लॉस को फॉलो करो और अपना जो ट्रेड प्लान है कि क्या मैंने स्टॉप लॉस लेवल है वो दिमाग में लगाओ पहले एंट्री करने से पहले, उसके हिसाब से आपका रिस्क एपेटाइट कितना है उसके हिसाब से आप एंट्री कर सकते हो। तो पहला स्टॉक तो हो गया, दूसरा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है कॉनकॉर। कॉनकॉर में क्या मेन है? मल्टीपल रेसिस्टेंट को रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक। देखो इधर रेसिस्टेंट कितना 2-3 महीना इधर लिया ए लेवल पे, कौन सा लेवल था आप देखोगे इधर ये लोअर बैंड देखोगे तो 600 का है। तो मल्टीपल यानी 2 से 3 महीना स्टॉक ने यहाँ पे रेसिस्टेंट लिया, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया और कहाँ पे गया? एग्जैक्ट 600 लेवल पे ही गया। देखो आप इधर देखोगे 600 लेवल पे गया, फिर स्टॉक ने वहाँ पे टाइम बहुत बिगाड़ा, मतलब देखो ना 2015 से बात कर रहा हूँ मैं, 2015 से 2021 हो गया
यानी करीब 6 महीने 6 साल जितना हो गया टाइम, फिर से स्टॉक ने ट्राई किया ऊपर जाने का लेकिन टिक नहीं पाया, फिर से नीचे आया। इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस, कंफर्मेशन बहुत जरूरी है कोई भी स्टॉक में। देखो अगर आपने सपोज यहाँ पे एंट्री ली होती, सपोज आपको मैं बता दूं गाइस, सपोज यहाँ पे सपोज आपने एंट्री ली होती, एक मिनट में बता दूं, ये लेवल, लेकिन इसके ऊपर क्लोज दिया ही नहीं था। देखो आप ध्यान से देखोगे तो वीकली क्लोज बहुत जरूरी है, स्टॉक ऊपर तो जाते हैं सेम वाइस वर्सा। आप सपोज नीचे सपोर्ट लाई ले तो देखो ये रेसिस्टेंट का कितना अच्छे से सपोर्ट दिया, क्योंकि स्टॉक ऊपर गया, देखो 600 666 गया था, 666 गया, लेकिन वीकली क्लोज देखो उसकी कहाँ पे हुआ, 614 पे हुआ, यानी जो अपना जो बैंड मैंने ड्रॉ किया 625 और 600 के बीच में, उसके नीचे क्लोज दिया, फिर से स्टॉक ऊपर गया फिर से नीचे आया। तो आप इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीकली क्लोज बहुत ज़रूरी है, और वो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म में वीकली क्लोज के हिसाब से आप ट्रेड करो तो अच्छे से मुनाफा ले सकते हो, क्योंकि कभी कभी ट्रिगर होकर स्टॉक ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसमें भी आपने देखा होगा स्टॉक ऊपर गया लेकिन रिस्पेक्ट करके फिर से वो लेवल पे देखो नीचे आ गया, फिर से वो नीचे आया करीब 250, फिर से स्टॉक ने ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन क्लोज नहीं दिया। पर आप ध्यान से देखोगे तो 625 के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है, और कौन से कैंडल ने क्लोज दिया, फाइनली एक कैंडल ने क्लोज दिया। तो कैंडल ने क्लोज के साथ साथ आप देखोगे तो पूरे लाइफ टाइम का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इधर है, यानी सबसे ज़्यादा स्मार्ट मनी ए लेवल पे, कौन से लेवल पे, 600 और 625 के ऊपर क्लोज दिया, यानी ये सबसे मेन अहम सपोर्ट होने वाला है। अगर निफ्टी यहाँ से 500 पॉइंट नीचे भी आती है तो यार ये आपका स्टॉक कितना आ सकता है नीचे, 620 या 625 यहाँ तक आ सकता है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और गाइज मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप इसमें SIP मोड में भी मतलब ट्रेडिंग कर सकते, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सारा पैसा इधर डाल दिया। सपोज 688 है आपने, फिर 660 आया तब और डाल सकते हो पैसा, उसके बाद नीचे 625-30 आए तब भी और डाल सकते हो, तो SIP मोड में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो, और लमसम आपको एक से ही साथ करना है तो भी कर सकते हो। तो ये जो लेवल आने वाले टाइम में बहुत अहम होने वाला है, 600 से 625 का लेवल है, क्योंकि ये बहुत आप देखोगे तो हैवी वॉल्यूम इधर है, तो जिसने भी पैसे डाले स्मार्ट मनी में ए लेवल पे तो वो स्टॉक को नीचे आने ही नहीं देगा। सपोज उसको स्टॉक अभी भी लेना होगा तो वो ए रेंज में आएगा तो फिर से स्मार्ट मनी वाले फिर से बाय करेंगे और स्टॉक ऊपर भागेगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो एक कॉनकॉर के बारे में हो गया, तो क्या रीजन है बाय करने का, अपना मल्टीपल रेसिस्टेंस ब्रेक विथ वॉल्यूम, मेन वॉल्यूम के है, इसलिए अपने इधर भी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टीबैगर स्टॉक होते हैं गाइस, आप कभी भी एंट्री ले सकते हो, आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लेवल पता होना चाहिए। आप SIP मोड में इधर ले, थोड़ा 2-5% नीचे आए, इधर भी एंट्री करो, इधर भी एंट्री करो, इधर भी एंट्री करो, तो आप कभी भी ले सकते हो। और स्टॉक बहुत अच्छे होते हैं तो कभी कभी नीचे कम आते हैं फिर ऊपर चला जाता है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ ताकि आप इधर से मतलब एंट्री मिस ना करो, इधर एंट्री आप आराम से कर सकते हो और एक अच्छा मुनाफा ले सकते हो। ये आने वाले टाइम में अगर निफ्टी यहाँ से 2-5% नीचे आएगा तो भी ये लेवल अहम होने वाला है 600 का, तो आप 600 के नीचे वीकली क्लोज दे तो इसमें से एग्जिट करना, क्योंकि क्या होगा फिर आपने देखा होगा इधर देखो 600 के नीचे क्लोज देता था स्टॉक, फिर क्या करता था सीधा 600 से नीचे 300 तक आ सकता था। तो अपने को ऐसे पोर्टफोलियो में स्टॉक चाहिए ही नहीं जो मतलब 30-40% स्टॉप लॉस मतलब रिस्क लॉस दे, ऐसे स्टॉक नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20% तक ठीक है आपके पोर्टफोलियो में, उससे ज़्यादा आप मत ऐसे स्टॉक रखो, तो उससे क्या होगा कि आपके सारे पोर्टफोलियो के वैल्यू डाउन आ जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ 600 के नीचे आप क्लोज दे तो एग्जिट कर सकते हो, उससे बाद वो स्टॉक नीचे वीक भी पड़ सकता है और 300 तक आ सकता है। तो ये हो गया, अभी बाय कब करना है, बाय एट CMP पे आप कोई भी इन्वेस्टिंग के लिए बाय कर सकते हो। 688.35 ये टारगेट, 1000 मिनिमम रहेगा, 1400 का उसके ऊपर जा सकते हैं। SL एग्जिट वीकली क्लोज बिलो 600 के नीचे वीकली क्लोज दे तो एग्जिट करना। रिस्क कितना है, 12.83 है, रिवॉर्ड 100 है, मिनिमम 100%। रिस्क 1:7 का, और इसमें भी टाइम ओरिजन रहेगा वो 3 से 12 महीने का रहेगा, तो गाइज आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे कैंटा बिल नाम का स्टॉक था, पिछले एक महीने से मैंने 370 पे रेकमेंड किया था, तो मैं आपको बता दूं गाइस, देखो कैंटा बिल नाम का स्टॉक था, आप देखोगे मेरे पुराने वीडियो सैटरडे के डाकोस के,
ये स्टॉक मैंने आपको रेकमेंड कब किया था, मैं आपको बता दूं, वो भी लेवल भी बता दूं आपको, कि यहाँ पे करीब मैंने बोला था कि ये लेवल एग्जैक्ट ये लेवल था। देखो तो कितना रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि ये मैंने ट्रेंड लाइन, आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो ये वाला जो मैंने बोला था कि ये रेसिस्टेंट होने वाला है, मतलब सपोर्ट होने वाला है आने वाले टाइम में, तो 370 पे मैंने बोला था और 340 के नीचे क्लोज दे तो एग्जिट करना है, वो भी बोला था मैंने। आप मेरा वीडियो देखना डाकोस के, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो कि कौन से स्टॉक मैंने रेकमेंड किए, ताकि आपको पता चले। तो ये देखो 370 से फिर टाइम लिया, लेकिन स्टॉक ने एक महीने में कितना, 370 से देखो हाई देखोगे आप तो 300-410 के करीब हाई मारा था। तो ऐसे देखो अगर ये वीक आप देखोगे तो निफ्टी कितनी मतलब वीक थी, लेकिन ये स्टॉक देखो पूरे महीने से ऊपर ही जा रहा है। तो इसलिए बोलता हूँ कि आपको कभी कभी टाइम देना पड़ता है, और इसमें जो टारगेट दिया वो भी इजीली अचीव हो जाएगा। तो आप अगर कोई भी चार्ट को टाइम दोगे तो वो स्टॉक आराम से, अगर आपके मतलब अच्छा सिलेक्शन होगा तो वो आपके फेवर में जाएगा ही। अगर नहीं जाता, इनकेस 10 में से एक स्टॉक ऐसा हो जाता है तो अपने इसमें से एग्जिट करेंगे, अपने को लॉस तो पता है 10-15% का, तो एग्जिट करेंगे। लेकिन जो दूसरे स्टॉक होंगे वो रिवॉर्ड देंगे, तो वो 50%, 100%, 200% रिवॉर्ड देंगे, तो आप मार्केट में इजीली पैसा कमा सकते हो इस तरह। तो कौन कौन के बारे में आपको बता दिया लाइक गाइज, अभी मैं आपको ICICI सिक्योरिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ICICI सिक्योरिटी, एक मिनट, इसको अपने पहले कॉनकॉर का चार्ट ओपन करके ही रखते हैं, अगर कुछ मिस हो गया हो तो। सॉरी गाइज, इसमें मैंने टाइप किया हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन आपको मैंने बता ही दिया था। सॉरी ये रहा, तो कॉनकॉर में तो आपको मैंने बता ही दिया, तो आप ये ध्यान में लेके चल सकते हो। अभी मैं तीसरा और आखिरी स्टॉक बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ICICI सिक्योरिटी। उसमें बाय करने का रीजन क्या है, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, गुड वॉल्यूम एंड ट्रेडिंग एबो सपोर्ट कैंडल, इसका मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर रेसिस्टेंट लिया, स्टॉक नीचे गया, नीचे जाने के बाद एक ही बार में स्टॉक ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या किया, स्टॉक नीचे आने का ट्राई किया। आप ध्यान से देखोगे तो एक कैंडल है, इसने ब्रेक किया, लेकिन स्टॉक ने एक कैंडल पे नीचे आने का ट्राई किया लेकिन नहीं आ पाया। उसका रीजन क्या है कि जो पुराना रेसिस्टेंट था वो सपोर्ट बन गया, फिर से दूसरे कैंडल ने भी वो सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर से नीचे आने का ट्राई किया लेकिन नहीं आ पाया। और उसके बाद क्या किया, अगर स्टॉक सही में वीक होता तो क्या करता, ये जो पुराने कैंडल थे वो ब्रेक करता ही नहीं, अब ब्रेक नहीं करता, और स्टॉक क्या करता है इसके नीचे आता फिर ऐसे नीचे आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले दो कैंडल देखोगे कि इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी देखो कितना डाउन था, लेकिन ये स्टॉक है वो ऊपर ही जा रहा है बार बार। तो इसका मेन रीजन क्या है, अपने इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो देखोगे तो उसका यहाँ पे सपोर्ट लिया है ये दो कैंडल ने 567 के लेवल पे, सपोर्ट लेने के बाद क्या किया, ये जो डोजी कैंडल है इसको सपोर्ट कैंडल भी बोलते हैं, देखो डोजी कैंडल है, उसका जो हाई था पुराना वो हाई भी ब्रेक करके स्टॉक ने ऊपर क्लोजिंग दिया, यानी फ्लैग पैटर्न अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो इसको फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं, और उसको क्लोज देने के बाद ऊपर क्लोज दिया। तो अपने इसको बाय अभी CMP पे कर सकते हो। रीजन क्या है देखोगे तो इतना ही रिस्क है अपने पास, रिस्क लिमिटेड है, और वॉल्यूम देखोगे पिछले दो महीने से तो कितना अच्छा वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी स्मार्ट मनी इसमें आ रहा है, और ये स्टॉक आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अभी बाय एट CMP, तब CMP कितना है, 639 है टारगेट, 1300 मिनिमम आ सकता है, SL एग्जिटिव वीकली क्लोज बिलो 567, ये जो पुराना रेसिस्टेंट था उसको ही अपने देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यानी इसको अपने सपोर्ट मान सकते हैं, इसके नीचे वीकली क्लोज दे तो अपने इसमें से एग्जिट कर सकते हो। रीजन क्या है, फिर स्टॉक नीचे भी आ सकता है और 450 तक भी जा सकता है, और फिर टाइम लेता है वो ऊपर, स्टॉक भले अच्छा है यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, लेकिन अपने को इतना वेट नहीं करना। डाकोस का मतलब ही है कि कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न चाहिए अपने को, तो नीचे आए फिर 2-4-5 महीना नीचे फिर ऊपर जाए, ऐसा अपने को वेट नहीं करना। अगर SL हो जाए तो एग्जिट करेंगे, कोई अच्छे स्टॉक में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देंगे। तो बाइंग लेवल से रिस्क कितना है, 11% है, रिवॉर्ड 100% है, रिस्क रिवॉर्ड 1:9 हो गया, रिस्क रिवॉर्ड सबसे बढ़िया होते हैं स्टॉक के, और टाइम ओरिजिन रहेगा वो 3-12 महीने का रहेगा। तो आप इसमें भी एंट्री कर सकते हो ICICI सिक्योरिटी में, और एनालिसिस डेट आप देख सकते हो 19 जून 2021, यानी सैटरडे आज का दिन है।
तो आप ये तीन एनालिसिस मैंने बताया गाइज, अगर आपको एनालिसिस कैसा लगता प्लीज मेरे को कमेंट करके आप बताओ। और आप भी मेरे वीडियो अगर रेगुलर देखते रहोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि मैं एनालिसिस कौन से बेसिस पे करता हूँ, तो आपको भी चार्ट ट्रेडिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर जो लोग नए हैं उनको चार्ट मतलब टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, तो सिंपल जितना चार्ट पे सिंपल रखोगे उतना आपको लॉजिक समझ में आएगा कि कैंडल मतलब कौन से प्राइस पे सपोर्ट ले रहा है, कौन से प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप दिमाग लगाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये तीन स्टॉक के ऊपर अपना एनालिसिस था, आप उसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हो। अपने रिवीजन कर लेते हैं, पहला स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ, दूसरा स्टॉक है कॉनकॉर, और तीसरा स्टॉक है ICICI सिक्योरिटी। ये जो मैंने लेवल बताया गाइज, ये लेवल प्लीज आप फॉलो करना क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस लेवल अहम होता है। टारगेट लेवल तो चलता है, आप ट्रेल करोगे तो आराम से पैसे बनाओगे, लेकिन जो स्टॉप लॉस लेवल बहुत अहम होता है क्योंकि उसके नीचे स्टॉक वीक भी पड़ सकता है, वो अहम लेवल होता है, सपोर्ट लेवल होता है, तो आप वो सपोर्ट लेवल मिस मत करना। अगर उसके नीचे क्लोज दे वीकली तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हो। तो ये गाइस अपने तीन डाकोस हो गए, तो आप उसमें ट्रेडिंग करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना। और गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप कौन से सिटी से मेरे साथ जुड़े हैं, मतलब मेरे सब्सक्राइबर है वो कौन से सिटी से हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ गाइज। तो प्लीज आप अपने कमेंट में सिटी का नाम बताओ ताकि अपनी बॉन्डिंग बनी रहे। मैं जानना चाहता हूँ सबसे ज्यादा कौन से सिटी से मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो प्लीज गाइज अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा भी, तो प्लीज आपका सिटी का नाम आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो गाइज, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर कौन से सिटी से ज्यादा आ रहे हैं। और कुछ नहीं गाइज, थैंक यू वेरी मच गाइज, और मिलते हैं कल। मेरा स्विंग ट्रेड के ऊपर भी वीडियो आने वाला है, वो भी अच्छे अच्छे स्टॉक होते हैं। जैसे लास्ट संडे मैंने रेकमेंड किया था मैरी को, 492 पे दिया था, 522 तेज चल रहा है निफ्टी इतना डाउन होने के बावजूद। फिर हिंद पेट्रो था, वो भी 295 पे बोला था मैंने, 311-12 चला गया था। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक होते हैं स्विंग ट्रेड में भी, तो आप मेरा संडे का वीडियो भी देख सकते हो, कल मैं स्विंग ट्रेड के ऊपर लेके आने वाला हूँ वीडियो। तो गाइज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज गाइज भूलना मत कमेंट में प्लीज बताना आपके सिटी का नाम। थैंक यू, बाय बाय।